आसगंज में सहावर चेयरपर्सन जाहिदा सुल्तान ने मामू भांजे पार्क में तालाब के किनारे किया पौधारोपण। सहावर कस्बे में 600 से अधिक पौधों का हुआ पौधारोपण। सिद्धार्थनगर में प्रधानों ने वीडियो के खिलाफ किया प्रदर्शन। ब्लॉक गेट में आक्रोशित प्रधानों ने जड़ा ताला। वीडियो पर लगाया सौतेले व्यवहार करने का आरोप। बलरामपुर में पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सक्सेना द्वारा पचपेड़वा क्षेत्र अंतर्गत शिवगढ़ मंदिर पर आने वाले कावड़ यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा। सिद्धार्थनगर में तेज रफ्तार का कहर, हुआ भीषण सड़क हादसा, कार के उड़े पर खच्चे। बीती रात अनियंत्रित कार गिरी गड्ढे में, मौके पर 3 लोगों की हुई मौत। सिद्धार्थनगर जिले में टेम्पो और मोटरसाइकिल में हुआ जोरदार भिड़ंत, मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति हुआ बुरी तरह से जख्मी, स्थानीय लोगों ने पहुंचाया जिला अस्पताल। बकरीद और कावड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी ने दिए सख्त निर्देश, जरासी चूक पड़ेगी भारी, गाइडलाइंस जारी। संवैधानिक पद पर बैठने के सवाल पर मुख्तार अब्बास नकवी ने याद किया अपना संघर्ष, कैबिनेट मीटिंग में मोदी ने की जमकर तारीफ। सांसद संजय सेठ ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से की मुलाकात, रांची में ट्रेन के ठहराव और नई ट्रेनों को लेकर रखी मांग। पुलिस चौकी पर पथराव करने पर 53 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज, 2 पुलिसकर्मियों से मारपीट का भी आरोप। डॉक्टर गुरप्रीत कौर के साथ आज फेरे लेंगे सीएम मान, सेक्टर 8 गुरुद्वारे में होगा आनंद कारज। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।